28 जनवरी यानी आज का दिन इतिहास में एक खास महत्व रखता है। आज के दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज ही के दिन 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 1865 में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1928 में देश के प्रमुख फिजिस्ट राजा रामन्ना का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1930 में मेवाती घराने से ताल्लुक रखने वाले शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1933 में चौधरी रहमत अली खान ने मुस्लिम लीग की मांग के तहत बनने वाले अलग राष्ट्र के लिए पाकिस्तान का नाम सुझाया था। आज ही के दिन 1961 में घड़ी बनाने वाली कंपनी HMT की पहली फैक्ट्री की बेंगलोर में आधारशिला रखी गई थी। और आज ही के दिन 1980 में देश के सबसे बड़े मालवाहक पोत रानी पद्मिनी का जलावतरण हुआ था। आज ही के दिन 1986 में अमेरिका का अंतरिक्ष यान चैलेंजर दुर्घटनाग्रस्त होने से सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हुई थी। आज ही के दिन 1998 में टाडा अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश में शामिल 26 अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई थी। और आज ही के दिन 1999 में भारत में पहली बार संरक्षित भ्रूण से मेमने का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2002 में खराब मौसम के कारण इक्वाडोर का एक विमान निवादो डी कंबेल ज्वालामुखी की ढलान पर गिरा। विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई थी। और आज ही के दिन 2007 में मशहूर संगीतकार OP नैयर का निधन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल, हिंदी।